जैसे हम मैक्सिमम टाइम ऑफिस में होते हैं, पूरा टाइम एसी चल रहा होता है, और कॉर्पोरेट ऑफिसेज में ऐसा ही होता है. तो अगर हम और होता भी है कि हमारी आंखों से पानी निकलने लग जाता है, तो इस केस में बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी मतलब बिग थिंग, तो इसमें हम आई ड्रॉप यूज कर सकते हैं. हाँ, उससे भी इम्पॉर्टेंट, एवरी पर्सन जो स्क्रीन पे ज्यादा टाइम बिता रहा है, सबको एक रूल पता होना चाहिए, 20-20-20. कब किसी भी इंसान को वॉटरी आईज दिखा लेनी चाहिए, लाइक कौन सा वार्निंग साइन होता है? सो यही, जब एक्सेसिव मतलब एक दो दिन वॉटरिंग हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप डाल लीजिए, बिकॉज हम लोग सब स्क्रीन पे हैं, ड्राई आई हो जाता है, तो उसके लिए सिंपल प्रिजर्वेटिव फ्री लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप डालिए. लेकिन अगर आपकी वॉटरिंग परसिस्टेंट है, कुछ दिन तक चल रही है, उसके साथ अगर इचिंग है, उसके साथ आईज रेड हो रहे हैं या डिस्चार्ज आ रहा है, आईज में पफिनेस है, डिस्कम्फर्ट है, देन यू शुड मीट एन आई डॉक्टर. एंड एनी प्रोलॉन्ग वॉटरिंग विच हैज़ बीन देयर फॉर कपल ऑफ वीक्स मंथ्स डेफिनेटली हैज़ टू बी सीन बाय एन आई डॉक्टर. ओके, एंड मैम जो टीयर डक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्या वॉटरी आईज में क्या रोल प्ले करती है? वही जो हमने अभी डिस्कस किया कि बिकॉज आपका एवरी टाइम वी ब्लिंक एक आंसू की परत क्रिएट हो रही है, वो ऊपर और नीचे पलक में जाके NLD डक के थ्रू थ्रोट में आ रही है. अब ये ब्लॉकेज है तो वो क्लियर ड्रेन नहीं है, आपकी आंखों में पानी भरा हुआ है, सारा डिस्कम्फर्ट है, डिस्चार्ज हो रहा है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो क्रोनिक डिस्चार्ज जो है वो आपके लैक्रिमल सैक को श्रिंक करेगा. क्रोनिक इन्फेक्शन की वजह से जो एनाटमी है वो भी ख़राब हो सकती है. तो इसके लिए एक सर्जरी करते हैं कॉल DCR. वो DCR डैक्रोसिस्टोराइनोस्टमी अगर हम अर्ली करेंगे हेल्दी टिश्यू में तो उसके रिजल्ट्स बेटर हैं. उसको जितना डिले करेंगे तो सर्जिकल रिजल्ट्स एंड कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं. ओके, एंड मैम जैसे आपने बताया जैसे हम फ़ोन बहुत ज़्यादा इस टाइम यूज़ करते हैं और डिजिटल हमारा हो गया है बहुत ज़्यादा, तो ऐसा कुछ एनवायरमेंटल भी फैक्टर है कि इस एनवायरमेंट में आपको वॉटरी आईज हो सकती है? नेचुरली, सो अगर समर्स पीक समर्स हैं, हम AC में हैं पूरे टाइम या पंखा चल रहा है, जैसे मैंने पहले बताया कि जब हम स्क्रीन पे हैं तो हमारा ब्लिंकिंग रेट नेचुरली कम हो जाता है. हम ब्लिंक नहीं कर रहे हैं तो मतलब टियर फिल्म पूरी आंख में फैल नहीं रही है, तो लैक्रिमल ग्लैंड कहता है, ब्रेन कहता है, प्रोड्यूस मोर फ्लूइड, उसकी वजह से वॉटरिंग आती है. सो यू विल नोटिस टिपिकली ऑफिस में बैठे हुए लोग कॉर्पोरेट्स में अपने अपने ऑफिस में बोलेंगे कि जब AC चल रहा होता है या पंखा चल रहा होता है तो मेरी वॉटरिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है. सो नॉट हैविंग डायरेक्ट डक्ट, AC का डायरेक्ट डक्ट आपकी आंखों पे नहीं आना चाहिए, तेज़ हवा नहीं लगनी चाहिए, अगर बहुत ड्राई हीट है तो ह्यूमिडिफायर्स ऑल्सो हैव अ रोल. तो ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, या बहुत ब्राइट लाइट नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये सब चीज़ें आपकी वाटरिंग को बढ़ाएंगे. ओके, और अगर मैम जैसे ये तो एक मतलब पर्सनल क्वेश्चन भी है कि जैसे हम मैक्सिमम टाइम ऑफिस में होते हैं, पूरा टाइम AC चल रहा होता है, और कॉर्पोरेट ऑफिसेज में ऐसा ही होता है, तो अगर हम और होता भी है कि हमारी आंखों से पानी निकलने लग जाता है, तो इस केस में बिकॉज इट्स नॉट अ वेरी मतलब बिग थिंग, तो इसमें हम आई ड्रॉप यूज़ कर सकते हैं. हाँ, उससे भी इम्पॉर्टेंट, एवरी पर्सन जो स्क्रीन पे ज़्यादा टाइम बिता रहा है, सबको एक रूल पता होना चाहिए, 20-20-20. सो दैट 20-20-20 रूल सेज दैट एवरी 20 मिनट्स क्लोज योर आइज फॉर 20 सेकेंड्स. अगर मेरी आंखें बंद हैं डिजिटल काम करते करते, इस टाइम पे मेरी टियर फिल्म को अच्छे से टाइम मिल रहा है टू मॉइस्टन दी आइज, प्लस मेरी एकोमोडेटिव मसल्स जो मुझे पास का देखने के लिए स्ट्रेन में आ जाती हैं उनको रिलैक्स मिल रहा है. सो क्लोज योर आइज फॉर 20 सेकेंड्स एंड और लुक एट अ 20 फीट मीन्स लुक अवे. तो क्योंकि जो आपकी पास की मसल्स हैं एकोमोडेटिव मसल्स वो रिलैक्स हो जाएंगे. तो जब आप दूर देखते हैं इंटरमिटेंटली, मतलब देर आर पीपल जिनको IT में 15-16-18 घंटे काम करना ही है, यू नो एक मिथ ये है कि स्क्रीन से कोई UV रेज आते हैं जो आपकी हर्ट करता है, दैट इज़ नॉट ट्रू, बिकॉज वो बहुत मिनिस्क्यूल अमाउंट है, उससे कहीं ज़्यादा ब्लू वेव्स तो हमारे सनलाइट में है. ब्लू वेव्स विल ओनली इफेक्ट योर मेलाटोनिन साइकिल, जो कि आपकी स्लीप को कुछ लोगों को इफेक्ट कर सकती है, बट देर इज़ नो डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ ब्लू लाइट ऑन द स्क्रीन ऑन द आईज इन इट्स अ वेरी मिनिस्क्यूल क्वान्टिटी. बट the constant accommodative strain जो हम मसल यूज़ कर रहे हैं उससे आँखों का थकना और फिर पानी आना, और जो ड्राई आई हो रही है बिकॉज हम कम ब्लिंक कर रहे हैं उसकी वजह से वॉटरिंग एंड ड्राई आई, क्रोनिक ड्राई आई बन जाना इज द प्रॉब्लम. सो 20-20-20 व्हेन यू आर ऑन द स्क्रीन एवरी 20 मिनट्स क्लोज योर आईज फॉर 20 सेकेंड और लुक अवे एट अ 20 फीट. उस ये आप करते रहेंगे तो आपकी आईज को स्ट्रेन नहीं होगा. एंड एज यू राइटली सेड कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम लग रही है, आंखों में जलन है, थकावट है, देन प्रिजर्वेटिव फ्री लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स इंडिया में तो ऑफ द काउंटर भी मिल जाते हैं. सो कपल ऑफ टाइम्स अ डे यू कैन यूज़ दोज ड्रॉप्स.
वाओ मैम दिस इज़ सो इन्फॉर्मेटिव, बिकॉज मैक्सिमम लोग कॉर्पोरेट ऑफिसेज में काम कर रहे हैं और इस टाइम एसी चलता है पूरा टाइम और फिर बाहर निकलते हैं गर्मी होती है तो काफ़ी प्रेशर लगता है, फील होता है आईज में. ओके मैम, सो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेरे पास. अभी मैं आपसे ना आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी. सो एज अ डॉक्टर आपने कभी वॉटरी आईज आपने कभी फील किया है अपनी आंखों में? या डेफिनेटली, स्पेशली हम लोग सर्जन हैं एंड आई एम अ माइक्रोस्कोपिक सर्जन, सो व्हेन आई ऑपरेट आई एम लुकिंग थ्रू अ माइक्रोस्कोप, सो लाइट इज ब्राइट, प्लस बिकॉज ऑफ दैट कॉन्स्टेंट फोकस लॉट ऑफ आई सर्जन्स themselves get dry eye because we blink less when we are working while operating on the microscope. So अगर हमको dry eye है तो हम भी eye drops use करते हैं उस time पे. Okay, तो आपने खुद से ही treat किया या फिर आप किसी और के पास गए? अभी तक तो thankfully खुद ही treat किया. Okay, और मैम कौन सी eye drop आप use करते हो? So I cannot take the brand name, but generic name में जो lubricating eye drops होती हैं या तो वो methyl cellulose होती हैं, carboxy methyl cellulose और sodium hyaluronate जो मैंने बताया off the counter भी मिलते हैं. So these are simple lubricating eye drops, आपको किसी भी chemist से मिल जाएंगे. Okay. और मैम अगर आप eye doctor ना होते तो आप कौन सा profession चुनते हैं? So interestingly I do Kathak and I just had a stage performance in Epicenter on 19th of May. So great. I would have been a dancer. Wow, that's so great. तो आप अभी भी उस hobby को अपने साथ लेके? Every week, yes. Thrice a week at night I go for my riyaz. That's so great, ma'am. That's so great. So ये था interview. Thank you so much, ma'am, for this great interview, for your time. Thank you.